नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्किन डिजीज़, मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज़ दांत या रिंग वर्म के बारे में बात करने वाले हैं। और गर्मियों के मौसम में पसीना ज़्यादा आने के कारण ये तकलीफ़ लोगों को ज़्यादा देखी गई है। तो हम आज बात करेंगे दांत के बारे में, इसके मोस्ट कॉमन टाइप क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स पेशेंट को क्या आएंगे और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, दांत एक संक्रामक बीमारी है जो फंगल इन्फेक्शन के कारण हो जाती है। और दांत या रिंगवर्म को मेडिकल भाषा में टीनिया कहते हैं। और टीनिया के मोस्ट कॉमन चार टाइप देखे गए हैं, उसमें नंबर वन है टीनिया कॉर्पोरिस। इसमें पेशेंट के किसी भी हिस्से में ऐसे गोलाकार रैशेस बन जाते हैं और बीच में उसके नॉर्मल स्किन दिखाई देती है। पेशेंट को यहाँ पर बहुत खुजली चलती है और जब वह खुजली करता है तो इससे और इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और दूसरे हिस्सों में भी ये गोलाकार स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे हम रिंगवर्म कहते हैं और इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टीनिया कॉर्पोरिस भी कह सकते हैं। इसमें नंबर टू पे है टीनिया कैपिटिस। इसमें जो रिंगवर्म की स्ट्रक्चर होती है वो मेनली स्काल्प पे हो जाती है और पेशेंट को वहाँ भी ऐसी गोलाकार स्ट्रक्चर हो जाती है, पेशेंट को खुजली चलती है, उसके स्केल्स निकलते हैं और यदि ये समस्या बढ़ जाए तो पेशेंट को वहाँ पर ऐसे बाल्डनेस के पैचेस हो जाते हैं। इसमें नंबर तीन पे आता है टीनिया पैडिस। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेनली ये समस्या जो होती है रिंगवर्म की, ये पैरों से शुरू होती है। जो लोग बहुत टाइम तक जूते पहनते हैं या उनके पैरों में बहुत पसीना आता है और शूज़ उनके टाइट होते हैं, तो वहाँ पर पसीने के कारण वो इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी पेशेंट को वहाँ पर स्टिंगिंग, बर्निंग पेन होता है और स्वेलिंग भी आ जाती है। इसमें नंबर चार पे आता है टीनिया क्रूरिस। ये मेनली पेशेंट के जेनाइटल एरियाज के अराउंड ज़्यादा होता है और इनर साइड ऑफ थाइज में पाया जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि पेशेंट यदि टाइट क्लॉथ पहनता है और उसको पसीना ज़्यादा आता है प्राइवेट पार्ट के आसपास, तो इस तरह का रिंगवर्म हो जाता है। इसमें पेशेंट को रेडनेस होती है और बहुत ज़्यादा खुजली चलती है और धीरे धीरे ये पूरे बटक्स पे और पूरे लेग पे फैल जाता है। यदि मैं अब इसके कारणों की चर्चा करूं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह बीमारी एक संक्रामक बीमारी है, यह फंगल या फफूंदी के कारण हमारे शरीर में हो जाती है। वैसे तो एनवायरनमेंट में कई तरह के फंगस हमेशा रहते हैं, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है तो ये फंगल इन्फेक्शंस किसी भी मीडियम से हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं और हमें रिंगवर्म या दांत की बीमारी हो जाती है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर ये आता है कि जब कोई पर्सन बहुत समय तक नमी वाले वातावरण में रहता है तो उसको दांत या रिंगवर्म की बीमारी हो जाती है। इसमें नंबर टू पे ये होता है कि जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो गर्मी के मौसम में या दूसरे मौसम में भी जो टाइट क्लॉथिंग वाले एरिया होते हैं या अंडर आर्म्स या अराउंड जेनिटल्स जहाँ ज़्यादा पसीना ठहरता है, वहाँ पेशेंट को ये इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है और फिर धीरे धीरे वह पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाता है। यदि कोई इन्फेक्टेड एनिमल किसी ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्ट में आता है तो उस पर्सन को भी यह बीमारी एनिमल से हो जाती है। और नंबर चार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक संक्रामक बीमारी है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में यदि किसी को यह बीमारी है और स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से यह बीमारी दूसरे पर्सन को भी हो जाती है, उसका टॉवेल, उसका कंघा या उसके दूसरे आर्टिकल, ड्रेसेस वगैरह यूज़ करने से भी यह बीमारी जल्दी फैलती है। इसमें नंबर चार रीज़न यह देखा गया है कि जो लोग बहुत टाइट क्लॉथिंग पहनते हैं जिससे उनका पसीना
सूख नहीं पाता और उनकी स्किन ब्रीद नहीं कर पाती, उन्हें भी यह इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। और जो लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, वो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे होते हैं, उनको भी यह इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है। और इसमें एक रीज़न और देखा गया है कि जो लोग अपने बॉडी की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, उनको भी यह बीमारी जल्दी हो जाती है। यहाँ अब हम इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये है कि जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए हैं वो सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भी एक पॉइंट ये है कि नहाने के बाद शरीर को अच्छे से सुखाकर ही कपड़े पहनना है। नंबर टू, यदि आप जिम वगैरह जाते हैं, किसी की मैट यूज़ करते हैं, तो सरफेस को क्लीन कर लें। नंबर तीन, यदि आप मॉल वगैरह में जाते हैं और कपड़े बदलते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, तो घर आकर नहाना है। और एक पॉइंट और है कि गर्मी में स्पेशली ये बीमारी ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मी में कॉटन के ब्रीदेबल ड्रेसेस आपको पहनना है। दोस्तों, स्किन केयर टिप्स पे मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, यदि आपको और डिटेल में समझना है तो आप जाके एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है टेल्यूरियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को शरीर के किसी भी हिस्से में रिंग शेप लेजन बन जाते हैं या रेशेस हो जाते हैं और पेशेंट को वहाँ बहुत स्टिंगिंग, बर्निंग पेन होता है और साथ में खुजली होती है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब इस सीरीज़ में नंबर टू पर मेडिसिन है सीपिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसके फोल्ड पे, मींस यदि एल्बो का फोल्ड है या नी जॉइंट का फोल्ड है, वहाँ पर पसीना ठहरने के कारण यदि उसको रिमवर्म जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, तब यदि यह मेडिसिन देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और ऐसे ही यदि उस पेशेंट के पैरों में बहुत पसीना आ रहा है और उसके कारण वहाँ पर टीन या पैडिस हो गई है, तब भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें भी पेशेंट को स्टिंगिंग, बर्निंग पेन होगा और खुजली से यह बीमारी और जल्दी स्प्रेड हो जाती है। अब इसमें नंबर तीन पर होती है कैलीसेल्फ। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब मेनली पेशेंट को स्काल्प पे और बियर्ड पे यदि उसको रिंगवर्म जैसी स्ट्रक्चर बन रही है और उससे रेशेस हो रहे हैं, खुजली आ रही है, स्टिंगिंग बर्निंग पेन हो रहा है, तब यदि कैलीसेल्फ देते हैं तो यह अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों, रिंगवर्म या दांत की बीमारी में अकेले मेडिसिन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, हेल्दी डाइट लेना है और आपको अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना है। यदि आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप रिंगवर्म या दांत की बीमारी से ईजिली बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।